back to my YouTube channel. Hope you are all okay. आज फिर ज़्यादा मतलब मैं बैठ क्या करूँ. So आज मैं ना eyebrows बनवाने जा रही हूँ. इतने 3 महीने से मैंने eyebrows नहीं बनवाई. So मैंने सोचा कि आज बनवा लूँ. अभी देखती हूँ कहाँ अवेलेबल होता है. So अभी मैं टाउन में आ गई हूँ और देखिए इधर तो इतना इधर रोड वगैरह चल रहा है. पता नहीं कहाँ से मैं जाऊँगी और जाऊँगा, बट दिखाती हूँ. एंड आज ना मुझे मैंने कहा कि फाइनली आईब्रोज बनवा लूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी भी आ गई है. सो अभी मैं जाऊँगी ढूँढूँगी कि कौन सा वाला फ्री है. बट अभी मैं एक फर्नीचर शायद अदर से मैंने कुछ चीज़ें चेक करनी थी. तो उधर अभी मेरे बाल को कुछ नहीं अच्छा नहीं. सो देख सकते हैं ये सभी फर्नीचर शॉप है. सो बिग ये फर्नीचर शॉप है. मुझे चला हम नया घर लेंगे. कुछ चीज़ें देखनी थी और अभी पैसे हैं तो नहीं. कैन सी मी. आज मैंने ये ड्रेसिंग की हुई है. अभी इधर कोई लॉन्ग रब बनाना पड़ेगा. सो देख सकते हैं अभी. और ना आज मैंने सोचा है कि मैं कुछ खाने पीने के लिए भी जाऊंगी, बट पता नहीं क्या होगा क्या नहीं. अभी कोई पता नहीं है. और आप बताएं मुझे आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं क्योंकि मैं भी वाह ये कितनी नाइस है. ऐसी गार्डन में हो तो मज़े ही है. ये भी नाइस है गार्डन के लिए. और मैं दिख रही हूँ आपको, दिख रही हूँ आपको. देखते हैं ये वाला सुबह भी नाइस है एक्चुअली वैसे तो. अच्छा मैं देखती हूँ कुछ चीज़ें फिर आपसे मैं. सो मैं फर्नीचर देखने गई थी बट मुझे समझ नहीं आया. सो मैंने सोचा कि यार कल आईब्रोज बनवा लूँ. सो अभी मैं वेट कर रही हूँ. पर आज इधर ना नेल्स भी करते हैं. सो मेरा दिल आ रहा है. वैसे मुझे पसंद नहीं है नेल्स बनवाना बिकॉज कोई काम नहीं होता. एंड देखते हैं शॉपिंग भी करनी थी. मेरी शॉपिंग में ख़त्म होती क्या करूँ. पाकिस्तान इबाद में तो हम जाएंगे कि नहीं. हाँ बढ़िया. ये डार्बियन मेन टू के फ्रंट इधर है. इधर नेल्स करते हैं, हेयर करते हैं, आईब्रोज एवरी थिंग्स. यस देख सकते हैं आप इधर से इंटर में भी इंटर हो सकते हैं. एंड आई एम हियर विद अनदर व्लॉग. सो अभी मैंने ग्लासेस रिमूव कर दी. अभी ये करेंगे क्योंकि इनका वैक्स भी अभी भी शॉप पर नहीं है. अभी ये वैक्स को आउट करी है. एंड क्योंकि मैं थ्रेडिंग नहीं करवाती मुझे बहुत पेन होती है. सो आई जस्ट वैक्स जस्ट आई डू आई गाइस नो प्रॉब्लम. और करके फिर मैं बताऊँगी. आज मैंने ये मेरी सिस्टर ने पाकिस्तान से लाए थे विद नाइक शूज. सो आपको दिखाती हूँ जब बन गई. ये देखो थोड़ा सा थ्रेड उन्होंने यूज़ किया, रेड हो गया. मुझे थ्रेडिंग नहीं पसंद, मैं जस्ट वैक्स कराती हूँ हमेशा. और मैं बहुत ज़्यादा आईब्रोज नहीं के हर महीने में 3-4 बार करा लूँ. नहीं नहीं मैं आई थिंक मैंने छोटी ईद पे करवाए थे आईब्रोज एंड अभी मैं करवा रही हूँ. मैं नहीं इतना मैं क्योंकि बिजी होती हूँ काम में, नहीं इतना मुझे कोई नहीं. सो बताइएगा मैं कैसे लग रही हूँ. आई विल टेक द पिक्चर एंड अपलोड इट. फर्स्ट टाइम बस मेरा हाथ और
सो मेरी आईब्रोज बन गई है, आप देख सकते हैं टमाटर की तरह रेड हुए हैं। सो अभी मैं शॉप पर आई हूँ, मुझे कुछ नल चाहिए थे, सो वही लेने आई हूँ। आई डोंट नो मुझे पसंद आएंगे, लेकिन मेरी आई देखा किसी ने, ऐसे लगता है किसी ने मारा हुआ है। बहुत आंसू निकल गए थे क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत टाइम आया था। जो बंदा 3 महीने बाद एक बार कराता है वो बहन दो होगा। सो अभी मैं मेरे पास ड्रेस मेकी है और कुछ मेकअप की चीज जानी थी। एंड देखती हूँ क्या लेती हूँ। अभी मैंने ना उसके मेरे फ्रेंड जिसकी शादी है उसके लिए कुछ लेना अभी। सो अभी देखती हूँ कि मैं क्या लूँ। एंड आई नीड सम मॉइस्चराइजर एंड क्रीम। सो अभी मैं पिर्सिंग करूँगी, पता नहीं कितना दर्द होगा। इतना हो रहा है आसमान को छू गया, बोल नहीं सकती थोड़ी देर बाद। हेलो देखो मेरा ये पेशेंट तो हो गया, बट आपको नहीं पता मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है। आई डोंट नो कौन से आज रहा है, कसम दर्द हो रहा है। सो मैं ये पेशेंट को क्या देखे आसमान टमाटर की तरह रेड हो गया, बट हम शक्ल नहीं छोड़ सकते, क्या करूँ बहुत दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। आप मेरी आंखों से अंदाज़ा लगा सकते हो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और कान तो ऐसे तरफ उड़ा के जैसे ग्रीन चिली ऑयल में डालो करना तो तरफ दिए ना वैसे। और ये शूज़ कुछ खास नहीं लगे, मुझे स्लीपर चाहिए थे थोड़े कम्फी से तो सही, बट दिल जो है ना कहता है लो तो दिल की बात मानूँ कि काफ़ी अच्छी लग रहा बंदा अच्छी से जीए ओड़े ओड़े ओड़े। सो भी मैं पाँव लें आग ही इधर से, मुझे चाहिए थे स्लीपर चाहिए थे, एंड भी वो मैं लूँगी। एंड उधर दिखा नहीं सकती, दिखाने वाली चीज़ें ही नहीं हैं। और मेरा कान देखो कसमें, देखो कितना डिफरेंस है, इतना गर्म हुआ है ना सच्ची, इतना गर्म जैसे क्या बताऊँगी इतना गर्म। सो अभी मैं घर जाऊँगी, अदरवाइज मैं इधर भी होश हो जाऊँगी जितना दर्द मुझे हो रहा है ना। बट कितने नाइस टीशर्ट्स हैं, कुछ देख लूँ अपने ब्रदर्स के लिए जब पाकिस्तान की तो ले जाऊँगी। वो है कि वो शॉर्ट्स आम वाले पहनते नहीं हैं मेरे ब्रदर, बहुत ज़्यादा नहरेले हैं। सो अच्छा छोड़ो, मैं अभी अपनी चीज़ें लेती हूँ क्योंकि उन्हें मेरी पसंद तो नहीं आती नहीं। तो यस आई कैन मेरा कान मुझे आई जस्ट वेट दिस टुडे
दस ये मेरी सिस्टर ने कुर्ता लाया था पाकिस्तान से एंड इसके साथ मैंने जो जो मैच होता था ले लिया। अभी मैं थोड़ी सी शॉपिंग शॉपिंग करूँगी, खाने पीने वाली भी और अरे मेरा कान फट रहा है ऐसी चीज पर ना से लग रहा है मैं एक बारी करा दूँ जो जो कराने से काम पे जाते हैं ये भी ठीक है। उधर जाऊंगी और फिर अब से मिलती हूँ क्योंकि मेरे कान आपके दिमाग ये चौड़ा रहा है कि क्या बताऊँ, बहुत दर्द हो रहा है। हाय।